नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। बिपिन रावत के बाद वो दूसरे CDS होंगे। सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार वो भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव भी है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब को अब तक आप लोगों ने औचक निरीक्षण करते अफसरों को फटकार लगाते देखा होगा, लेकिन आज जो उनका रूप दिखा उसने एक मिसाल कायम कर दी। ये कड़क IAS लखीमपुर खीरी पहुंचने पर रो पड़ी, आंख से आंसू निकल पड़ी, जुबान खुश्क हो गई और गला भर गया। कमिश्नर की ये हालत जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे को देखकर हो गई। एक हादसे में जख्मी बच्चे की दशा ही ऐसी थी कि कमिश्नर का दिल भर आया। उसकी माँ ने जब कमिश्नर के सामने हाथ जोड़कर बेटे की जिंदगी की भीख मांगी तो कमिश्नर भी रो पड़ी। बता दें कि आज सुबह लखीमपुर खीरी में एक भयानक हादसा हो गया था जिसमें अब तक 10 लोगों की जान चली गई जबकि 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना पर लखीमपुर खीरी पहुंची लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब जिला अस्पताल का मुआयना कर रही थी। इस बीच उन्हें मरीज के रूप में एक 10 साल का बच्चा बेड पर औंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया। दरअसल 2 दिन पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के वाजपेयी गांव में एक बच्ची दीवार ढह गई थी जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी हादसे में कफील नाम का ये बच्चा भी घायल हो गया था। कफील हादसे के बाद से न तो पीठ के बल लेट पा रहा था और न ही उठकर बैठ पा रहा था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब रो पड़ी। अगली खबर अयोध्या से है, जहां सरयू के किनारे आज सीएम योगी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण किया। लोकार्पण से पहले लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद थे। बता दें कि नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर PM नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश का प्रसारण भी किया गया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। PM मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से खुश थी। समारोह में UP के CM योगी ने कहा कि राम के प्रति जिसने भी कुछ किया है उसकी कृतज्ञता की शुरुआत लता चौक से हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुलसीदास वाल्मीकि के नाम पर भी चौराहों का निर्माण होगा। अयोध्या पूरे विश्व से सीधे जुड़ेगी। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का। इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति
अपने आप को तैयार करना होगा। श्रावस्ती में दलित शाखा पोस्टमास्टर से अभद्रता का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दलित डाकिया ने डाकपत्र पर लिखे नंबर पर संपर्क किया था, जिसके बाद पता पूछने पर सामने वाला व्यक्ति गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शाखा पोस्टमास्टर और वहाँ भिनगा से एक रेस्टी, उसमें संदिग्ध अवस्था में पता उसका स्पष्ट नहीं था, चली आई थी, तो उसमें जो है विद्यावती के नाम से एक रेस्टी था जी। तो मैंने पता लगाया, उसका पता जब नहीं चल सका तो उसमें टेलीफोन नंबर था, तो मोबाइल पर मैंने फोन किया जी। और जैसे फोन किया वैसे रिसीव फोन वाले ने जो है मुझे अभद्र तरीके से इतनी गाली दिया, 3 मिनट 59 सेकंड तक गाली ही गाली दिया। खबर फरुखाबाद से है, जहां आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फरुखाबाद का दौरा किया। इसकी जानकारी मिलते ही किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा अपने साथियों के साथ किसानों की समस्याओं का ज्ञापन लेकर फरुखाबाद में मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। इसकी प्रशासन को भनक लगते ही वहां पर पुलिस को लगा दिया गया। पुलिस ने इन लोगों को रेलवे क्रॉसिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद किसान यूनियन के लोग नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष के ज्ञापन में किसानों को अभी तक पर्याप्त खाद न मिल पाना, बिजली की भारी कटौती जैसे कई समस्याएं थी। सीएम का टाइम भी अभी आने का है, तो यहाँ शहरी में मैं खड़ा हूँ, ये लोगों ने रोक लिया है कि सीएम से नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन हमारे हैं सीएम को मिलेंगे, डिप्टी सीएम को अवश्य मिलेंगे, और नहीं तो फिर रोड पे बैठ करके अगली रणनीति बनाएंगे, हम क्या करें। कई समस्याएं हैं जनून किसानों की, जो चकबंदी की समस्या है, एक गली बंद कर रखी लोगों ने, बिजली की समस्या 18 घंटे बिजली 5 घंटे देने के वक्त में कई 20 घंटे 18 घंटे नहीं दे रहे, 18 घंटे की मांग हमारी है। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के तीसरे स्थापना दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति काशी विश्वनाथ मुक्ति जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता NRC वक्फ बोर्ड एक्ट और धारा 37 को समाप्त करने के लिए हिंदू हुंकार सभा में काशी और ब्रज क्षेत्र के तमाम संतों ने संकल्प लिया। आपको बता दें कि राजपुर चुंगी स्थित ML फार्म हाउस में हिंदू हुंकार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज और काशी के संतों ने हिंदुओं के अधिकारियों के लिए हुंकार भरी। कार्यक्रम में महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज ने कहा कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिदों की असल प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर जल्द फैसला नहीं आया तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू की जाएगी। आज ये स्थापना दिवस योगी ब्रिगेड के द्वारा जो हुंकार हिंदू हुंकार सब जोड़ा है, वो वास्तव में इस समय बहुत जरूरी है, क्यों सनातन धर्म पर आप देख रहे हैं हर जगह कुठाराघात जो हो रहा है। आज आप चाहे मालेगांव की घटना ले लीजिए, चाहे जिस कांवरियाओं की बात ले लीजिए, चाहे आज कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ले लीजिए आप, तो हिंदुओं को जागृत करना विशेष अनिवार्य है। आज हमारी जन्मभूमि को मुक्त कराने का भी जो आंदोलन जो हम लोग चला रहे हैं वो भी विशेष जरूरी है, और सनातन धर्म की ध्वजा को अग्रसित कराने के लिए ये जगाना बहुत जरूरी। मुरादाबाद से है, जहां पाकबड़ा क्षेत्र में एक दलित युवती ने बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके परिजनों पर घर में बंद करके मारपीट करने और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती के चेहरे और शरीर पर चोट के कई निशान मौजूद हैं। पीड़िता का आरोप है कि वो अपनी मृतक माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष के घर गई थी, जहाँ पर आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और सबने मिलकर के घर में बंद करके बेरहमी से पिटाई कर डाली। पीड़िता ने न्याय पाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा वीडियो वायरल करते हुए योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना पर CO हाईवे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। युवती ने खुद को दलित कहा है, उसी के आधार पर जाँच कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था कि मेरी माता जी अभी एक्सपायर हुई थी, इनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं चेयरमैन जी के घर गई थी, खेमवती जी के यहाँ। तो मैंने गेट खुद उठाया, उनके भाई ने गेट खोला, तो फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ मुझसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया,
उन्होंने मुझे गालियां वगैरह दी कि तुम चमार को और कुछ काम नहीं है, किसी भी टाइम मुंह उठा के चले आते हो। थाना पाकवाड़ा के कस्बा क्षेत्र में एक प्रकट संज्ञान में आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दलित महिला चेयरमैन के घर पे अपने माताजी का मृत प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में उनके घर पे गई हुई थी। इस संबंध में उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साथ वहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की जगह उसके साथ मारपीट की गई है, जिस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो जांच करने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक धाराओं में और साथ में इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा से पतंग उड़ा रहे युवक लोगों की जान और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन होती चली आ रही हैं, लेकिन चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ताजा मामला मुरादाबाद के दलपुर गांव में एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। फिरोजाबाद में देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में उस वक्त धावा बोल दिया जब सभी परिवार जनराम बारात देखने गए थे। इसी बीच चोर मकान में दाखिल हुए और घर की अलमारी और बॉक्स तोड़ करके उसमें रखे लाखों के सोने चांदी के जीवर और 1,80,000 रुपये की चोरी कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। श्रावस्ती के कमलाभारी गांव में बीती रात घर से गायब महिला का शव तालाब में मिला। वहीं परिजनों ने युवती के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली के सकलडीहा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांवों के 400 से अधिक किसानों को बेदखली की एसडीएम न्यायालय से नोटिस दी गई है। नोटिस मिलने के बाद किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बारगा गांव के रायल ताल को फर्जी तरीके से अपने नाम से कराने के मामले को लेकर के उच्च न्यायालय में मामला दाखिल था। एसडीएम न्यायालय में सुनवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। हरदोई के बघौली थाना इलाके में पूर्व होमगार्ड और उसकी पत्नी की घर के अंदर हत्या कर दी गई। वृद्ध दंपत्ति की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है। पुलिस घटना के कारणों का पता कर रही है। पुलिस ने खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई है। ग्राम काईमऊ है, थाना बहोली क्षेत्र में। इसमें प्रातः सूचना मिली है कि एक वृद्ध व्यक्ति लगभग 60 वर्ष के हैं, उनकी पत्नी, दोनों की हत्या हुई है। मौके पर देखने से पाया गया कि गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इनके पुत्र भी मौके पर हैं। किसी पर शंकायत कोई जाहिर नहीं की गई है। इसमें पड़ताल की जा रही है कि किस कारण हत्या की गई है। अगली खबर बागपत से है, जहां एक तरफ मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिलता, वहीं बागपत में एम्बुलेंस मरीजों की जगह घर का सामान ढो रही है। घर का सामान भरकर ले जाते हुए एम्बुलेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सीएमओ बागपत के कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी का बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। गाजीपुर का सीमाबाद से है, जहां कासिमाबाद ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा देवली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जहां ग्राम प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से 20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से ले लिए। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि जब हम लोगों ने पैसा देने से मना किया तो ग्राम प्रधान ने धमकाया, इस बार पैसे नहीं दोगे तो आगे वाली किस्त नहीं मिलेगी। प्रधान श्रीकांत चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास लाभार्थियों को आवंटित हुआ था, उसमें प्रधान और सचिव में खुलेआम 20,000 रुपये की वसूली की, और जो कि वर्तमान प्रधान है उन्हीं की पत्नी प्रधान रही। उस कार्यकाल में बने लोहिया आवासों में प्रधान ने हर आवासों से वसूला खुलेआम 70,000 ले लिए। इस संबंध में जब मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जांच करके जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। ये आपने अभी हमें बताया कि पूर्व में 2017 के पूर्व जो लोहिया आवास थे उसके बारे में आपने धनराशि दिए जाने के संबंध में कुछ वीडियो आप दिखा रहे थे, कृपया वो वीडियो हमें शेयर करें और उस पे हम जांच कराएंगे। चंदौली के रविनगर में संदिग्ध हाल में महिला रेलकर्मी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला रेलकर्मी को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरी घटना की जांच कर रही है।
हाथरस जिला अस्पताल की डिस्पेंसरी में लगी अचानक भीषण आग। आग लगने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं डिस्पेंसरी में लगी आग में झुलसकर एक स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बांदा में खनन माफियाओं के सामने पुलिस प्रशासनिक नतमस्तक है। दरअसल भूमि धरी पट्टे पर खनन माफिया खनन कर रहे हैं। वहीं खनन माफियाओं के खिलाफ कवरेज करने गए पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि खनन माफियाओं और पुलिस की मिलीभगत से 7 पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ मारपीट भी की है, जिसको लेकर के पत्रकारों ने अशोक लाट चौराहे पर अनशन शुरू कर दिया है। खबर देहरादून से है। आरएसएस नेता ने अंकिता और उसके परिजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने रायवाला थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को माइक पर कोतवाली प्रभारी रवि कुमार सैनी और सीओ ऋषिकेश दिनेश चंद्र ढौढियाल ने वार्ता कर निरीक्षण अधिकारी से जांच कराने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी एफआईआर की नकल लेकर के ही थाना परिसर से जाने पर अड़े रहे। 18/9/22 को एक सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी अंकित भंडारी और उसके परिवार वालों के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर के समाज में काफी उद्विग्नता फैल गई थी और उसी बात को लेकर वो लोग यहाँ पर थाना रायवाला में आए थे और उन्होंने एक तहरीर दी, जिस तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में और आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। इनके द्वारा मांग ये थी कि उसको उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।